यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीएसई कॉमर्स 100 में से 100 लाना है, ये टारगेट है हमारा। और आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है ये हम समझ चुके हैं, कितने प्रकार के स्टेक होल्डर्स होते हैं बताइए। इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। अब स्टेक होल्डर का कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि स्टेक होल्डर वही इंसान है जिसको कुछ बेनिफिट मिलना है या उसको कुछ उम्मीद है। तो आइए पढ़ लेते हैं कि किसको क्या उम्मीद है। एवरी स्टेक होल्डर ग्रुप एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर स्टेटेड बिलो। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स। ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है ये है हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है। एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स, एक मिनट रुकिएगा। एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट क्या उम्मीद करते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई देम, कई बार हम पढ़ चुके हैं, अब एक ही वर्ड है यहां पर, सेफ्टी। यह है कीवर्ड, सेफ्टी किसका, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। जो पैसा हमने लगाया है वो मेरा पैसा डूबे नहीं, सेफ रहे, इतना उम्मीद करना क्या गलत है। नहीं जी, गलत नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और अगर मैं बैंक को जाके दे दूं, बैंक बैंक मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, बैंक बैंक बोलता ठीक है जमा करा दो, तो फिक्स डिपॉजिट हमने बैंक में करा दिया, फिक्स डिपॉजिट, और बैंक बोलता मैं आपको दूंगा 6% इंटरेस्ट। इसका मतलब है 6% इंटरेस्ट पर एनम। तो 1 करोड़ रुपया जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो बैंक मेरे को देगा 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज बिना कुछ किए, घर पे आराम से सो रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक से मेरे को मिलता है 6 लाख रुपीज। बट मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं, मैंने खोला एक कंपनी, ठीक है। वो कंपनी क्या काम करेगा, वो कंपनी समझ लीजिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी, जितने घर में कॉकरोच, चूहा, चीटी, सबको हम मारने का काम करते हैं, ठीक है। अरे जोशी ने कहा था मेरा हाथ देखकर कि तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारा मर्डर है, करोड़ों मर्डर करोगे तुम। तो मम्मी पापा घबरा गए थे, करोड़ों मर्डर, बस बताए नहीं थे कि मारेगा ये जीव जंतु को मारेगा, पेस्ट को मारेगा। तो ठीक है, जो भी है, तो बात ऐसा है कि 1 करोड़ रुपया हमने लगाया कंपनी में, और मेरे को ऐसा लगा कि ये 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद, मशीनरी इक्विपमेंट सब खरीदने के बाद, लोगों को अपॉइंट करेंगे, सैलरी देंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और हम मुनाफा कमाएंगे साल में कम से कम 15 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, बैंक में रखने से मेरे को मिल रहा था 6%, 6 लाख कमा रहे थे। पेस्ट कंट्रोल कंपनी खोला, स्प्रे, लोगों को ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया जो एक कंपनी को करना पड़ता है, और मैं एंड में कमाया 15 करोड़ रुपए। तो एक बात बताइए, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में दो या 1 करोड़ रुपया बिजनेस में दो, बिजनेस में 1 करोड़ रुपया दिया और मिला मेरे को बिजनेस में 1 साल के बाद 15 करोड़ रुपया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना आया, 15%। 1 करोड़ का 15% होता है 15 करोड़ रुपये। अरे ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है रे बबुआ, ठीक है। तो अगर मेरे को, इमेजिन करो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस, अब मैंने फर्नीचर का बिजनेस किया, लॉस हो गया, और मेरे को 1 करोड़ लगाने के बाद सिर्फ 4% मिला, तो सर 4% लॉस तो नहीं हुआ, बट हम बोल रहे हैं लॉस हो गया, क्यों। 4% होता है 4 लाख रुपया। भाई एक बात बताओ, कुछ नहीं करने से घर पे बैठ के बैंक को पैसा दे देते तो पैसा सेफ रहता, पैसा वापस मिलता और साथ में 6 लाख रुपया भी मिलता।
एक करोड़ रुपया लगाने के बाद, एक करोड़ रुपया तो कन्वर्ट हो गया ना मशीन में, एसी में, कंप्यूटर में, ये जो एक करोड़ रुपया कैश था मेरे पास, बैंक को कैश दिया, तो साल के एंड में 1,06,00,000 रुपया मिल रहा है। बिजनेस किया 4,00,000 रुपया मिल रहा है, इससे अच्छा तो भाई बैंक में रख देते तो 6,00,000 मिलता, तो क्या ये फेयर रिटर्न हुआ? नो 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 नो। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शेयर होल्डर या एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि उसका कैपिटल पहले सेफ रहे, उसको फेयर एंड रेगुलर रिटर्न मिले। एक दिन तो अचानक 15,00,000 का कमाई हो गया, फिर नुकसान हो गया, फिर कमाई हो रहा कभी 10 का कभी 5 का, तो मज़ा नहीं आएगा, आप सारा दिन टेंशन में रहोगे। तो फेयर रिटर्न मतलब अगर बैंक वाला 6% दे रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, पैसा डूब सकता है, तो कम से कम मेरे को यहाँ 10% तो मिले। बैंक में 6,00,000, बिजनेस करने से 10,00,000, तो बिजनेस करेंगे, 4,00,000 का एक्स्ट्रा फायदा है। तो फेयर एंड रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ऑन देयर कैपिटल, ये पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया दोस्त, भूलना नहीं है। आप जब कोई भी टीचर डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, बच्चे को समझाएंगे नहीं और से रीडिंग कर देंगे हम, तब आपको भी घर में जाके रीडिंग करना पड़ता है। तो रीडिंग 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 करने से माथा पे लोड बढ़ता है, बट अगर आप समझ जाओगे तो समझा हुआ चीज़ को रीड करोगे तो वापस आपको याद आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे होता है? देखो, जैसे 1 करोड़ का कैपिटल था मेरे पास, अब मैंने 20,00,000 रुपया कमाया, तो 20,00,000 को मैंने इसमें 1 करोड़ में ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास हो गया 1,20,00,000, 1.2 करोड़। अप्रिशिएट मतलब ऐड होना, ठीक है। अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, ये सब अकाउंटिंग लैंग्वेजेस है। अपने इंग्लिश में अप्रिशिएट को ये भी समझते हैं कि टुडे आई गॉट वेरी गुड मार्क्स सो माई टीचर वॉज अप्रिशिएटिंग मी, ठीक है, तारीफ करना। सो कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है। एक्यूरेट अप टू डेट एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। देखो भैया, पैसा लग गया है, टेंशन बहुत होता है, मेरे को एक्यूरेट रिपोर्ट दो। एक्यूरेट अप टू डेट एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। जैसे हम लोग अपना शरीर का रिपोर्ट निकालते हैं, तो मेरे को कंपनी का रिपोर्ट निकालो कि भाई मेरे को उतना मुनाफा होगा या नहीं होगा। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। जब भी कोई पॉलिसी डिसीजंस बने तो एम्प्लॉयर एंड शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि भाई हमें भी पूछा जाए, हमने भी पैसा लगा रखा है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स चाहते हैं भाई हमारा भी राय, सलाह, मशवरा ले लिया जाए। अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। देखो, आज एप्पल एक अच्छा कंपनी है, बट अगर कोई घटिया कंपनी हो जिसको सब कोई चोर कंपनी बोले तो आपको अच्छा लगेगा? तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे कंपनी को चोर कंपनी बोले। तो ये तो था एम्प्लॉयर एंड शेयर होल्डर्स का, ठीक है। अब एम्प्लॉयज का बात करते हैं। देखो, अब ये सब कॉमन सेंस है, इमेजिन कैसे करना है। अगर आप किसी कंपनी में काम करो, आप पढ़ लिए, लिख लिए, डिग्री ले लिए, किसी कंपनी में आप काम करते हो, तो आपका भी तो कुछ उम्मीद होगा ना, एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप आंख बंद करके अपना उम्मीद के बारे में सोचोगे, आप चाहोगे ना कि आपका कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा हो, कंपनी का हाइजीन अच्छा हो, कंपनी आपको रेगुलर, आप जब काम करें तो रेगुलर पैसा दे दे, और आपको साल बाई साल अच्छा प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, इज्जत मिले, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, तो सब कुछ तो आप चाहोगे ना। तो बस जो आप चाहते हो बस वही तो है किताब में। आइए देखते हैं। आइडियल एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट। अब देखो, यहाँ लिखा आइडियल एम्प्लॉयज, क्योंकि भैया अगर कोई पाड़ा का दादा भाई ज़बरदस्ती एम्प्लॉयमेंट ले लिया, उसको काम धंधा करना ही नहीं है, सिर्फ बदमाशी करना है, तो वो तो भाई उसका उम्मीद तो बहुत कुछ हो सकता है। सब कोई को एक कॉफ़ी मिलता है, बोला अरे एक कॉफ़ी से नहीं चलेगा, अपना नाम है जग्गू दादा, अपने को हर एक घंटा भी कॉफ़ी मांगता है, समझे कि नहीं?
तो भैया एक बात बताओ, ये तो उसका उम्मीद है कि हर एक घंटा पे उसको कॉफ़ी मिले। अपुन आएगा रात को, रात को नहीं, अपुन आएगा दिन को 12 बजे, आने के बाद अपुन 2 घंटा रेस्ट करेगा, फिर अपने 2 घंटा लंच करेगा, फिर अपने शाम को कॉफ़ी पिएगा और शाम को 6 बजे अपुन घर चला जाएगा। अपुन तो ऐसा एम्प्लॉय है भाई। तो भाई भाई एहसान करो भाई, आप कंपनी छोड़ो। अरे कंपनी कैसे छोड़ेगा, मैं काम क्यों छोड़ेगा? तो क्या ये आइडियल एम्प्लॉय है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आइडियल एम्प्लॉय का बात कर रहे हैं हम लोग। आइडियल एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। आज क्या होता है, मम्मी मम्मी नौकरी लग गई है, मम्मी अब हमारे घर के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, मम्मी कितना का नौकरी मिल रहा है बेटा, मम्मी 25,000 रुपये का, मम्मी अब चिंता मत कर, अब हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे, अब पिताजी की दवाई भी ले आएंगे मम्मी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चिंटू को स्कूल में भी पढ़ा लेंगे। 25,000 से हमने हमारा प्लानिंग कर लिया, हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में चले गए, मम्मी ये घर पर नहीं रहेंगे, दूसरे घर पर रहेंगे, उसका भाड़ा है 5,000। इमेजिन करो अगर कुछ महीने बाद मेरे को जॉब से बोला गया, कंपनी ने, कंपनी लॉस में चल रही है, विजय तुम जॉब छोड़ दो। इस जॉब के पीछे मेरा जो सारा घर का प्लानिंग था वो तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो मैं ये तो उम्मीद करूंगा ना कि मेरे को जॉब में सिक्योरिटी मिले। तो सिक्योरिटी इन जॉब को मैंने मेरे ख्याल से समझा दिया हिंदी फिल्मी स्टाइल में। और सिक्योरिटी इन जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कोजीनियल कंडीशंस, मतलब अच्छा हेल्दी कंडीशंस। ये नहीं कि एकदम मजबूरी में, देखो भैया क्या करेंगे, अगर आप निकालोगे तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो एकदम बुरे हालत में भी, जहाँ मेरे को बोला गया था 9 आवर्स का ड्यूटी, मैं 15 आवर्स का ड्यूटी कर रहा हूँ और एकदम बुरे हालत में कर रहा हूँ, पंखा तक नहीं है मेरे ऑफिस में, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या करूँ? बोलते हैं नहीं करना है तो छोड़ दो, तो कर रहे हैं भैया, मजबूरी में कर रहे हैं। तो कोजीनियल कंडीशंस, अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब अगर एक दिन में 600 रुपया मिलना चाहिए तो चलो ठीक है, आप मेरे को 300 रुपया क्यों दे रहे हो, कम बेसी आप 575 दे दो या 625 दे दो, चलता है, बट 300 रुपया दे रहे हो आप, तो क्या ये इंसाफ हो रहा है मेरे साथ? नहीं। तीसरा पॉइंट है सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। जहां मैं काम करने जा रही हूं वहां नीचे में बहुत गुंडे मवाली लोग का बस्ती है और सेफ नहीं है, किडनैप हो सकता हूं मैं, तो क्या ऐसे जगह पे, या इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग ठीक नहीं किया हुआ, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी। इम्प्लॉयज चाहता है कि भाई मेरे को ऐसा कंपनी में जॉब मिल जाए जो कंपनी खुद हाउसिंग फैसिलिटी दे रही है, कि भी हम बोल सके कि चलो अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ मेरे को एक रहने के लिए घर मिल रहा है, मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन को उस घर में ले आऊँगा, तो कितना खुशी का बात है, हाउसिंग मिल रहा है, और तो और 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम का पॉलिसी मिल रहा है, अब बीमार होने पर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। भैया क्या करें, साल का सैलरी 6 लाख रुपया है, अगर हम बीमार हो गए तो कंपनी बोला आप चिंता मत करो, 5 लाख रुपए तक का खर्चा मेडिक्लेम करा दिया, इंश्योरेंस कंपनी देगा। सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। सोशल सिक्योरिटी मतलब देखो काम करते रहो, जब काम छोड़ोगे बूढ़े हो जाओगे, बुढ़ापा में तुमको पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मतलब कुछ कुछ पैसा तुम जो जमा कर रहे हो, होता क्या है ये पेंशन ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में सैलरी से कुछ हिस्सा कटता है, अगर आपका
10,000 का सैलरी है समझ लीजिए, तो कुछ हिस्सा लेट से 200-400 रुपया काट रहे हैं, उतना ही रुपया कंपनी भी दे रही है, ठीक है। सो ये भी अच्छी बात है भाई, कुछ पैसा जमा हो रहा है, सेव हो रहा है, हेल्थ रिक्रिएशन एटसेट्रा, तो हेल्थ भी अच्छा है, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी अच्छा, तो ऐसा तो हम चाहेंगे ना। नेक्स्ट, एक अच्छा एम्प्लॉय क्या चाहता है, आइडियल एम्प्लॉय क्या चाहता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ नया ट्रेनिंग, नया एजुकेशन लेना तो उसका भी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो भैया, अगर मेरा काम से कंपनी बहुत खुश है और कंपनी बोलता है कि चलो तुमको प्रॉफिट्स में भी हम हिस्सा देंगे, तो एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है कि चलो इसका मतलब मेरा पढ़ना लिखना और मेरा काबिलियत का तारीफ हो रहा है। क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, क्विक एंड फेयर, देखो तकलीफ है और 2 साल से तकलीफ है तो मज़ा नहीं आएगा, तकलीफ है बट उसका न्याय मिला नहीं तो भी मज़ा नहीं आएगा, तो क्विक भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, तो चलिए ये पॉइंट तो था एम्प्लॉयज का। एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स, पहले तो सप्लायर को समझ लीजिए, अगर मैं शर्ट बनाने का कंपनी हूँ तो सप्लायर कौन हुआ, जो मेरे को शर्ट का क्लॉथ दे रहा है। अगर मैं मिठाई बनाने वाला हलवाई हूँ तो मेरे लिए सप्लायर कौन हुआ, मिल्क मैन, जो मेरे को दूध का सप्लाई दे रहा है, ठीक है, जो बड़े बड़े हल्दीराम, भीगाराम, घसीटाराम, इन लोगों के लिए दूध वाला बहुत बड़ा सप्लायर है, ठीक है। सो सप्लायर का क्या उम्मीद है, आइडियल सप्लायर्स, दोज हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, एक्सपेक्ट फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज। भाई अगर दूध का दाम 20 रुपया लीटर चल रहा है और मैं बेचारे को बोलूँ कि नहीं मैं तो तुमको 15 रुपया लीटर से ज़्यादा दूंगा नहीं, देना तो दो नहीं तो मत दो, गलत बात। रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स, अगर मैंने कहा है क्रेडिट टर्म्स मतलब, क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट कार्ड सुना आपने, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब समझाएंगे हम आपको, क्रेडिट मतलब उधार का टाइम, कि भैया देखो जैसे अगर समझ लो दूध वाला डेली मेरे को 2,000 रुपया का दूध दे रहा है और 30 दिन मेरे को दूध दिया तो 60,000 रुपया दूध वाले का हो गया एक महीने में, ठीक है, अब 2 महीने में हो गया 1,20,000। अब बेचारे का 2 महीना से मैंने पैसा नहीं दिया, तीसरा महीना रनिंग है, तीसरा महीने का भी 10 दिन हो गया, तो 10 दिन होने का मतलब और 20,000 रुपया हो गया, तो आज के दिन में दूध वाला हमसे पाएगा 1,40,000 रुपया। सप्लायर है भैया, दूध वाला, दूध वाला क्या छोटा मोटा आदमी मत समझो, 1,40,000 का दूध मेरे को दे चुका है वो, बट मैंने दूध वाले से कहा था कि भैया देखो हर 30 दिन में तुमको पैसा दे देंगे, 30 दिन में मतलब मैक्सिमम जैसे तुम्हारा बिल 60,000 के करीब आएगा हम तुमको पैसा दे देंगे, बट यहाँ तो आओ 1,40,000 हो गया और अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, तो क्या मैं सही काम कर रहा हूँ अपने सप्लायर के साथ, बिल्कुल गलत काम कर रहा हूँ। तो सप्लायर तो हमेशा यही चाहेगा कि जो मेरा क्रेडिट टर्म्स था, मेरे क्रेडिट टर्म्स 30 डेज का था बट अभी तो सर 70 डेज हो गया, ठीक है। सो रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, अब दूध वाला जो डिलीवरी देगा रीजनेबल होना चाहिए कि भाई कहाँ पर मेरे को देना है, सो डिलीवरी एंड पेमेंट। रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई, रेगुलर ऑर्डर मिलते रहे, ये नहीं कि भाई अब अचानक ऑर्डर मिलना बंद हो गया कोई कभी, अब जैसे मेरा 1,50,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है तो मेरे को सप्लाई रोक के किसी और दूध वालों को रख लिया, अब उसका 1,50,000 आउटस्टैंडिंग हो गया, अब यहाँ इससे जब गाली कुत्ता हो गया, चिल्ला चिल्ली हो गया तो वापस मेरे को सेट कर रहा है, तो ये ऐसे कंपनीज होते हैं, गलत करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे से काम करो मैं सही काम करूँगा, रेगुलर मेरे से ही काम करो। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, सप्लायर चाहता है ना कि कंपनी का एक्चुअल पोजिशन मेरे को पता रहे, कंपनी अगर लॉस में है तो मैं भी अपना सप्लाई को धीरे धीरे कम कर दूं। हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप, इंटर बिजनेस रिलेशनशिप मतलब इज्जत से काम करो, ये नहीं कि मैं छोटा मोटा सप्लायर हूं तो मेरा इज्जत
नहीं करे, हेल्दी रिलेशन हो, कोऑपरेटिव हो, जब साहब मैंने बिल छोड़ दिया, हाँ हाँ आपको दे रहे, ये नहीं कि आपका ये बिल गलत है वो गलत है, मतलब हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो है जिससे कंपनी ने ले रखा है लोन, सो सेफ्टी ऑफ लोन्स गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज, मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड टाइम्स, जिस टाइम पे आपने बोला लेट से अगर 3 महीना में इंटरेस्ट देंगे तो हर 3 महीना में मिल जाना चाहिए, 1 महीना का बात हो तो हर 1 महीना में मिल जाना चाहिए। रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मैंने कहा था कि 3 साल के लिए मेरे को लोन चाहिए, 3 साल हो गया है और मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो गलत बात है। एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल हेल्थ का तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा एक्यूरेट एंड अप टू डेट? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट्स और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट्स, मैंने आपको 2 करोड़ का लोन दिया है, मैं आपका लैंड या बिल्डिंग को मॉर्गेज कर रखा हूँ, अगर आप मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आपका ज़मीन को या बिल्डिंग को बेच के अपना पैसा लेने का अधिकार रखता हूँ, इसे कहते हैं मॉर्गेज ऑफ एसेट्स। जब आपके पास लेट से मैंने 20 लाख का लोन दिया है और आपके पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी जिसका कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो मैं आपसे गाड़ी मॉर्गेज में ले लिया हूँ कि चलो इस गाड़ी को बेच के आराम से 20-25 लाख रुपया तो कभी भी मेरे को मिल जाएगा। तो जो भी इंसान पैसा देता है वो अपने पैसे का जो रिटर्न है कि भाई पैसा मेरे को मेरा डूब नहीं जाए, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब भाई अपने को टेंशन नहीं लेने का, मैं पैसा भी दूँ और मैं टेंशन भी लूँ, नो। कल को तू अगर फेल किया पैसे देने में भाई तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज ऑफ एसेट्स। और पर्सनल गारंटी बाय ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज, पर्सनल गारंटी की चलो एंटरप्राइज के नाम पे लोन दिया है मैंने लोन एंटरप्राइज को दिया है, बट अगर एंटरप्राइज फेल कर दिया लोन देने में, तो जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी को लोन दिया, कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, अगर कंपनी फेल करता है तो भाई मेरे को मत भूलना के, तो यहाँ पर हमने पर्सनल गारंटी भी ले लिया है कि अगर बाई चांस कंपनी फेल करती है तो आप पर्सनल गारंटी दे रहे हो आप मेरे को मेरा पैसा दोगे, परफेक्ट है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एसोसिएट्स और कॉम्पिटिटर्स, यह है नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अभी अपने पास टाइम है कर लेते हैं। सो आइडियल एसोसिएट्स एक्सपेक्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस क्वालिटी एंड सर्विस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस क्वालिटी एंड सर्विसेज, समझाने का कुछ नहीं है, प्राइस फेयर होना चाहिए, क्वालिटी सही होना चाहिए, सर्विस सही होना चाहिए। एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर। कभी कभी होता है कि प्राइस वॉर कर दो कि कॉम्पिटिटर एकदम मार्केट से आउट हो जाए, हेल्दी प्राइस में काम करो जिससे तुम भी कमाओ मैं भी कमाओ, तुम भी बचो मैं भी बचूं, एक दूसरे को मारने के चक्कर में सब मर जाएंगे। सो एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर, कुछ भी गलत ये नहीं कि अपने कॉम्पिटिटर के बारे में गलत सलत फैला दो, अफवाह फैला दो, गलत काम नहीं करना है। कोऑपरेशन अमंग कॉम्पिटिटर टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, ये बड़ा अच्छा बात है, आपस में कोऑपरेट करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करो, पूरा का पूरा इंडस्ट्री को ग्रो कराओ। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब अगर कोई ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, लोगो है, वो सब को कॉपी मत करो। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि एक कस्टमर को एक भरोसा है एप्पल के ऊपर, मैं नकली एप्पल बना लेता हूँ, नकली लोगो और बेच रहा हूं, तो क्या मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को? नहीं।
एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, एन आइडियल गवर्नमेंट शुड एक्सपेक्ट। गवर्नमेंट क्या चाहता है कि भाई जो नियम कानून हमने बनाए वो फॉलो हो, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली एंड इन टाइम, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स, घूस रिश्वत मत दो। पासपोर्ट बनाना है मेरे को और मैं पासपोर्ट ऑफिसर को रिश्वत दे रहा हूँ, तो मैं करप्ट कर रहा हूँ पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट मतलब जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के पे रोल में काम करते हैं। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। स्केर्स रिसोर्सेज मतलब लेट्स से अगर कोल है, कोयला, कोयला एक स्केर्स रिसोर्स है, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे? टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट चाहती है कि भैया गरीबी का सारा जिम्मेदारी सरकार का नहीं है जी, आप लोग भी कुछ करिए। टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मोनोपोली नहीं होना चाहिए, मोनोपोली मतलब एक ही आदमी, अगर इमेजिन करो अगर एक ही आदमी सब कुछ करे, अगर एक ही कंपनी हो तो वो कितना प्राइस बढ़ाए, चार्ज करे। कंपटीशन से क्या होता है, अगर एक बात बताओ, एक कंपनी है 50 रुपया में बेच रहा है और कोई दूसरा कंपनी नहीं है तो कल वो 55 में बेचेगा, नेक्स्ट डे उसका और लालच बढ़ेगा 60 में बेचेगा, पर जैसे एक दूसरा कंपनी उसके कंपटीशन में है तो 50 के जगह वो 45 में दे रहा है। ओ तो 45 में दे रहा, रुक मैं 40 में दूंगा, तो ये 40 में दे रहा है, ओ तू 40 में दे रहा, चल मैं 38 में दूंगा। तो कम से कम इससे आम जनता जो है उनको नुकसान नहीं हो रहा है। बट अगर मोनोपोली हुआ, मोनोपोली मतलब मोनो मतलब वन, एक ही आदमी अगर काम कर रहा है तो 50 से 40 में नहीं होगा, 50 से वो पहुंचेगा 55 की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको क्लियर हो गया है कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए, सरकार गवर्नमेंट यही चाहती है। अब मेरे ख्याल से आज का लास्ट है ये, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर मोर और लेस आपका ख़त्म हो जाता है। जनरल पब्लिक का क्या उम्मीद है? सोसाइटी और कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देखो भैया फैक्ट्री वाले आप लोग बहुत पोल्यूशन करते हो, पोल्यूशन मत करो। टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। जो प्रोडक्ट समाज को दरकार है वैसा ही बनाइए, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए, कुछ भी ऐसा घातक वीडियो गेम मत बनाइए जो बच्चे का करियर खत्म हो जाए, उनका आंख खराब हो जाए, उनका दिमाग खराब हो जाए। तो ये चीज मत बनाइए आप लोग, वीडियो गेम मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। आप लोगों का क्या जाता है, वीडियो गेम बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो और मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मैं नहीं दिलाऊं तो मेरे घर में झमेला हो रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मत बनाइए। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फील्ड्स। जो वीकर सेक्शन है उनको हेल्प किया जाए। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाई प्रोमोटिंग एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये सब ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप लोग ICC स्टूडेंट हो तो यू ऑल नो दिस, इसको समझाने का कुछ नहीं है। टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो आप लोग थोड़ा बहुत दान धर्म करते रहिए। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जितना भी है, ये जो चार्ट आपके सामने है, ये मेरे ख्याल से उसी का समराइज वर्जन है, तो ये मैं नहीं रीड कर रहा हूँ, ये आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एनालिसिस जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या अगर समय तो परमिट नहीं कर रहा है वरना हम कर लेते हैं, या आप एक काम करिएगा, इसको आप लोग सेल्फ रीड मोड में जाइए, ठीक है, ये आप खुद से करिए। अगर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ समझाने का तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।